आप सभी का खैर मकदम है एफआई न्यूज चैनल पर। ऐसे ही अहम व ताजा तरीन खबरों के लिए एफआई न्यूज चैनल के साथ जुड़े रहे। आइए डालते हैं आज की अहम खबर पर एक नजर। हर साल की तरह इस साल भी दरगाह यूसुफैन नामपल्ली का 322वां सालाना उर्से शरीफ का आगाज तेलंगाना वक्फ बोर्ड के जेर निगरानी में शुरू हो चुका है। होम मिनिस्टर महमूद अली साहब और वक्फ बोर्ड चेयरमैन मसीउल्लाह साहब ने संदल मुबारक को मक्का मस्जिद रवाना किया। इस मौके पर वक्फ बोर्ड के मेंबर्स के अलावा DSP वक्फ बोर्ड ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब और TRS पार्टी के एक्टिव वर्कर मोहम्मद महबूब मौजूद थे। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। इसी तरह की मज़ीद तफसीलात के लिए हमारे चैनल को YouTube पर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नामपल्ली में दरगाह यूसुफैन शरीफैन के मज़ार शरीफ से संदल गया है। मक्का मस्जिद जाने के बाद आएगा, 3 दिन का एहतमाम किया जाता है और ख़ास तौर से हज कमेटी के चेयरमैन मसीउल्लाह खान साहब की सदारत में और उनके तमाम मेंबरान जो बोर्ड के मेंबरान हैं सबकी सदारत में ये संदल हो रहा है। ये दरगाह शरीफ ऐसी दरगाह शरीफ है जहाँ पर हर कोई आकर मन्नत करता है। इस तेलंगाना के लिए हमारे आनेबुल CM साहब ने कई बार यहाँ आकर तेलंगाना की मन्नत की थी और तेलंगाना हासिल भी हुआ है और हम लोग यहाँ के बहुत मोतकिद हैं। दरगाह यूसुफैन शरीफैन पर जो आकर मन्नत करता है वो ज़रूर पूरी होती है और इस दरगाह को इंशाल्लाह इस मरतबा वक्फ बोर्ड के तहत जो जो कामें हैं यहाँ पर कराने के, बाथरूम्स का है और दूसरे अदर कामें हैं वो ज़रूर पूरे किए जाएंगे और तकरीबन काम कंप्लीट भी हुआ। जो कुछ भी अगर जो ज़ाहरीन आते हैं उनके लिए जो जिस इनके इंतज़ाम हो और ज़रूर वक्फ बोर्ड से पूरे किए जाते हैं और जो भी यहाँ का इंतज़ाम में कमी है वो ज़रूर उसे पूरा करते हुए वक्फ बोर्ड चेयरमैन साहब और उनके तमाम जितने मेम्बरान हैं और वक्फ बोर्ड के अहदेदार हमेशा इस दरगाह की खिदमत करते रहते हैं। सबको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ और तमाम हमारे मीडिया के भाई भी आज उर्से शरीफ पर आए, सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। भी काम आए बच्चे कुछ इसलिए यहाँ के बाथरूम तो बन चुके हैं। इंशाल्लाह ताला एक अच्छा प्रोजेक्ट बनाया जाएगा, बना के बोर्ड ज़रूर उसके ऊपर कार्रवाई किया जाएगा और जो कानूनी यहाँ पर भी नहीं बोलने की बात अलग है, हमें चाहने वाले यही बताएंगे ना आपको और ज़रूर इस मरतबा हम कोशिश करेंगे। चेयरमैन साहब बहुत एक्टिव चेयरमैन है, इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है ज़रूर आप जो कह रहे हैं वो जगह का और मस्जिद देता हुआ इसी का इंशाल्लाह आने वक्त पर ज़रूर काम करेंगे।